इज़ आवर लेक्चर नंबर 20 लेक्चर नंबर 28 फॉर द वन क्लास मैथ्स। और यहाँ पे हमारे पास टिक द बिगर थिंग्स एंड क्रॉस द स्मॉलर, जो बड़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनके आगे हमने टिक लगाना है, और जो छोटी है उनके आगे स्मॉल। अब ये दरख्त बड़ा है और ये पौधा छोटा है, सो हम इसके आगे जो ट्री है उसके आगे टिक लगाएंगे, और ये है हमारे पास स्मॉल तो हम इसके आगे क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास आपको लगता है कि बड़ी हैं उन पर टिक लगाएंगे, और जो स्मॉलर हैं उन पर हम क्रॉस लगाएंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डक डक, ये बड़ी डक है तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, और स्मॉल डक पे हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये है हमारे पास बड़ी बॉल और ये हमारे पास छोटी बॉल। बड़ी बॉल पर टिक और स्मॉल बॉल पर क्रॉस। इसी तरीके से यहाँ पे है वैन या बस, कुछ भी कह सकते हैं, और यहाँ पे है बाइक। जाहिर सी बात है कि बाय वैन तो काफ़ी बढ़िया ना बाइक से, सो यहाँ पे हम लगाएंगे टिक और द लगाएंगे क्रॉस। अब है टिक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, तो जो सबसे बड़ा है ना उस पर आप लगाना। ये हमारे पास है स्विंग मशीन, और यहाँ पे है आइसक्रीम, और ये हमारे पास है बाइसाइकिल। ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ये देखिए नज़र तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टिक। अब है बलून, ये है बड़ा बलून, फिर से छोटा, फिर बहुत, मतलब कि बहुत छोटा है। इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको हम टिक लगाएंगे, वो है ये। अब है क्रॉस द स्मॉलेस्ट एनिमल, अब जो सबसे छोटा है उसमें हमने इसको क्रॉस करना है, लाइक एलिफेंट, कैट एंड लायन। एलिफेंट सबसे बड़ा, लाइन उसके बाद आता है, और उसके बाद है हमारे पास कैट। तो कैट सबसे छोटी है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है।